बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क यूज किए कितना परफेक्ट गाढ़ापन है इसमें, बिल्कुल रिच बनेगा आपका शीर कुर्मा। आप इसे शीर कुर्मा कह लीजिए, आप वर्मिसली पुडिंग कह लीजिए या सेवइयों की खीर कह लीजिए, लेकिन तरीका इतना इजी और यूनिक सा है कि इसका टेस्ट टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और स्वाद तो इतना बढ़िया होगा कि आप कटोरी भर भर के खाएंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें ये चार मेन चीजें चाहिए जिन्हें आपको थोड़ा पहले भिगो के रखना पड़ेगा, 4-5 घंटे पहले या कम से कम 1 घंटा पहले। तो भी आप गुनगुने पानी में भी इसको भिगा सकते हैं। ये मैंने 15 बादाम भिगाए हैं, 15 काजू मैंने लिए थे, ये छुआरे हैं, 6 से 7 आप छुआरे ले सकते हो, और ये पिस्ता है, पिस्ता मैंने ये 20 से 22 पिस्ता लिया था। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, हमने इन्हें भिगो के लिया था, इसलिए अब इनका कटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आराम से आप इनको काट सकते हो, छिलका अलग कर सकते हो या छिलके साथ भी काट सकते हो। तो देखिए मेरा ये बादाम का प्रिपरेशन हो गया है, सिर्फ 5 बादाम मैंने छोड़ दी, और अगर आप चाहे तो उसका छिलका निकाल सकते हो, हाथ से निकल जाएगा इजीली। ये सेम मैंने काजू को भी कट कर लिया है, 15 काजू हमने भिगोए थे, 10 काजू काट लिए, 5 बचा के रख लिए और लंबे लंबे काटे हैं। जो छुहारे लिए थे ये भीग चुके हैं, इनके अंदर का हमें बीज निकाल लेना पड़ेगा और फिर हम इन्हें भी लंबा लंबा काट लेंगे। और ये 20 से 22 हमने पिस्ता लिया था, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया, पिस्ते मैंने पूरे काट लिए। इसके अलावा और 2 मेन चीजें इसमें जाती हैं, जो कि है किशमिश, ये लगभग 1/4 कप जितनी, और ये है चिरौंजी, ये 2 या 3 टेबलस्पून जितनी हम लेंगे। अब इससे बनता है एकदम डिलीशियस शीर कुर्मा। अब यहाँ मैंने एक मिक्सी जार लिया है, जो काजू और बादाम हमने 5-5 बचा लिए थे ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोनों ही चीज़ें आप ऐड कर दो। इसके बाद इसके फ्लेवर को और इसके रिचनेस को बढ़ाने के लिए, ये अच्छा गाढ़ा हो, थिक हो, क्रीमी लगे, इसके लिए हम इसमें यूज करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, तो ये मैंने ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम नॉर्मल दूध डालेंगे, कच्चा नहीं है, उबाल लिया था, जो अभी रूम टेम्परेचर पर है, गर्म नहीं है। तो ये दूध डालकर हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे, और आप देखेंगे कि एकदम स्मूथ सी पेस्ट आपके पास बनके तैयार है। अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, जिसके अंदर हम फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे, आप बफेलो मिल्क भी ले सकते हो, ये हम लेंगे 1 लीटर जितना, और इसको पहले हम गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही आपको दिखे कि दूध गर्म हो चुका है, बॉयल हो रहा है, तब आप इसमें मिला दीजिए 2 चुटकी जितना केसर। मतलब आपको केसर को अलग से भिगोने की भी जरूरत नहीं है, केसर का रंग इस दूध में उबलते उबलते परफेक्ट आ जाएगा, टेस्ट भी और कलर भी। दूध को मैं दूसरी गैस की तरफ शिफ्ट करती हूँ, धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैन रखा है, बहुत थोड़ा सा हम घी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच, और जितने भी भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स थे जिनको हमने लंबा लंबा काट लिया था, वो 1 by 1 हम सारे ही इसमें ऐड कर देंगे एक साथ, और हम इन्हें भून लेंगे। वैसे आप इन्हें बिना भुने भी इस रेसिपी में यूज कर सकते थे, लेकिन थोड़े से घी में रोस्ट करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इनका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, डार्क हम नहीं करेंगे, हल्का सा बस मैंने 2-3 मिनट के लिए इनको चला लिया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब एक नज़र हम दूध की तरफ चलते हैं। देखिए दूध का कलर हल्का सा पीला हो गया है, जो कि केसर की वजह से है। अब इस समय जो पेस्ट हमने बनाई थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट में ऑलरेडी काजू बादाम और मिल्क पाउडर भी है, तो चांसेस है कि ये नीचे लगे, इसलिए आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहो, छोड़ मत दो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि दूध का कलर आपको और भी थोड़ा सा अभी डार्क नजर आएगा, ये केसर की वजह से हो रहा है, और फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आ रहा था। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे ना, वो आप अब इसमें ऐड कर सकते हो। दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कोई बासुंदी हमें नहीं बनानी, रबड़ी नहीं बनानी। थोड़ा 5 मिनट उबलने के बाद हम सारे इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड करते जा रहे हैं। अब इसे मैं और दूसरे गैस की तरफ रख रही हूँ। यहाँ फिर से सेम पैन के अंदर हमारा किशमिश भुनना बाकी था, थोड़े से घी के अंदर ये मैं किशमिश को रोस्ट कर रही हूँ। मैंने इस रेसिपी में घी का यूज़ बहुत कम किया है, क्योंकि क्या होता है ना, घी फिर ये ठंडा हो जाने के बाद ऊपर ऊपर तैरता है। वैसे आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। हमने चिरौंजी भी डाल दी, चिरौंजी को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम फिर से दूध की तरफ आ गए हैं, ये किशमिश और भुनी हुई चिरौंजी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और आगे के 2-3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तब तक एक पैन के अंदर मैं 1 चम्मच जितना घी ले रही हूँ, और ये मेरे पास है सेवैया, जो ऑलरेडी रोस्टेड तो है, लेकिन फिर भी थोड़े घी के अंदर हम इनको हल्का सा चला लेंगे। और ये आपको लेनी है लगभग 40 या 50 ग्राम जितनी। शायद आपको अभी ये कम लग रही होंगी, लेकिन जब ये हम दूध में ऐड कर देंगे ना, ये अपने साइज से डबल फूल जाती हैं, और इसकी वजह से दूध में गाढ़ापन आ जाता है। सो ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो लीजिए, ये सेवैया भून चुकी हैं।
अभी जो दूध उबल रहा था इसके अंदर सेवैयां डालने से पहले हम चीनी मिला देंगे। चीनी मैं ले रही हूँ लगभग 150 ग्राम जितनी, 3/4 कप है ये। आप मीठा अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हो। सेवैयां हमने पहले अभी इसलिए नहीं डाली क्योंकि सेवैयां भी उबलती साथ साथ चीनी भी उबलती। ज़्यादा देर अगर आप सेवैयों को दूध के अंदर उबालते तो वो बिल्कुल ही मैश हो जाती, बिल्कुल गीली सी पड़ जाती। इसलिए पहले आप चीनी डाल लो, उसको घोल लो, उसका थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप इसमें इलायची की पाउडर डाल दो फ्लेवर के लिए। और फिर जब आपको इस दूध का टेक्सचर हल्का हल्का क्रीमी क्रीमी नज़र आ जाए तब आप इसमें भुनी हुई सेवैयों को ऐड कर दीजिए। मतलब आपको है ना बिल्कुल परफेक्ट सा टेक्सचर मिलेगा आपकी इस पुडिंग का। सेवैयां डालने के बाद बस 2-3 मिनट ही आपको इसको पकाना है और आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट आपका शीर कुरमा या आपकी सेवैयों की खीर बनके तैयार है। अब इसको कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा करना है, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। अगर आप इसको थोड़ा और उबालेंगे ये सेवैयों की वजह से गाढ़ा होते जाएगा, बट ये वाली कंसिस्टेंसी मेरे लिए तो परफेक्ट है। अगर आप इसे गर्मा गर्म अभी खाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा गाढ़ा रखो, थोड़ी देर बाद खाना चाह रहे हो ठंडा करके खाना चाह रहे हो तो इसको पतला ही रखो आप, क्योंकि जब तक आप इसे खाएंगे तब तक ये अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल डिलीशियस शीर कुरमा बनके तैयार है। आप अपने वजह से इसको गार्निश करें, डेकोरेट करें और प्रेजेंट करें। आप लोगों को हमारी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मौके की तलाश में मत रहिए, अभी अभी बनाइए, अभी अभी खाइए। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।